हेलो गाइज, वेलकम टू जीनियस स्टडी सेंटर। आप आज का क्लास पढ़ने जा रहे हैं साइटोलॉजी के बारे में। तो आइए देखते हैं, साइटोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है कोशिका विज्ञान। तो दोस्तों, साइटोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। साइटो और लॉजी का अर्थ होता, लॉजी जो है से लोगस वर्ड से बना है। साइटो और एक लॉजी जो है ये लोगस वर्ड से मिलकर बना है। साइटो का अर्थ होता है सेल और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। अब इसका डिफिनेशन कैसे हो जाएगा, तो कोशिका का अध्ययन करना, कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कॉर्क पर प्रयोग किया था और इन्होंने कोशिका के बारे में बताया था। तो आइए देखते हैं, कोशिका कहते हैं किसे, तो शरीर के सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। शरीर के सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। इसमें कोशिका का निर्माण हम लोग के अंदर कैसे होता है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे वीडियो को देखिएगा। एक स्पर्म और एक ईग, ये दोनों कोशिकाएं हैं। अब ये दोनों कोशिकाएं जो है ये जुड़कर टिश्यू में बदल जाएंगे, टिश्यू से अंग में बदल जाएंगे, अंग से अंगतंत्र में बदल जाएंगे, अंगतंत्र से बॉडी में बदल जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि शरीर के सबसे छोटा इकाई जो है कोशिका है, और कोशिका कोशिका जब मिलेगा तो बन जाएगा ऊतक, और ऊतक ऊतक मिलेगा तो बन जाएगा अंग, और अंग अंग मिलेगा तो वो बन जाएगा अंगतंत्र। अब कहने का मतलब ये उंगली है, ये नाक है, ये गाल है, ये कान है, ये होंठ है, ये सब अलग अलग पार्ट को अंग बोलते हैं, लेकिन ये सब बॉडी से जुड़ा हुआ है तो यही कहलाएगा आपको अंगतंत्र, और ये सभी मिलकर एक शरीर का निर्माण करता है। तो आइए आप लोग इसके बारे में जान चुके होंगे कि कोशिका है क्या। अब देखते हैं कि कोशिका हमारे बॉडी में कितना होता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मनुष्य का वजन 80 केजी है, तो 80 गुने 10 के पावर 15 होता है। अब ये कोशिका को काउंट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि जितना व्यक्ति का भार हो या किसी भी जीवित जंतु का भार हो, उसमें 10 के पावर 15 से अगर गुना कर दिया जाए तो वो उसका कोशिका की संख्या हो जाती है। तो आइए देखते हैं कोशिका कैसा होता है। देखिए यहाँ पे यह स्ट्रक्चर है, और ये कोशिका चारों ओर से एक पतली झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका चारों ओर से एक पतली झिल्ली से घिरी हुई है, तो इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली। यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। अब इसके अंदर में गाढ़ा तरल लिक्विड भरा होता है, गाढ़ा चिपचिपा तरल द्रव भरा होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। हिंदी में इसे कोशिका द्रव कहा जाता है, और इसके बीचों बीच एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक केंद्रक पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ एक और प्रोटोप्लाज्म की बात है, तो इधर आपको ध्यान देना है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों एक ही घर में हैं, तो एक ही घर में रहने के कारण इसका नाम रखा गया है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का खोज सर्वप्रथम पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था 1839 ईस्वी में। इसी प्रकार से केंद्रक का भी खोज हुआ था, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइज, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को एक बार ज़रूर मैसेज करें। आपका जीनियस स्टडी सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। थैंक यू।